हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हेल्दी एंड टेस्टी ड्रिंक लेकर आई हूँ और ये किसी भी मौसम में पिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे आपके इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 खजूर ले लिया है और 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू ले लिया। ऐसे पानी में भिगो कर रख लेंगे, लगभग 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। इसे भीग जाने से क्या होगा कि ये आसानी से पिस जाता है। और यहाँ पे बादाम हमारा भीग चुका है तो इसके छिलके को उतार लेंगे। छिलके को उतार कर पिसने से क्या होगा कि इसका टेस्ट और अच्छा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छिलके के सारे को उतार लेंगे। तो ये बड़ी आसानी से छिलका उतर रहा है, तो इसी तरह से उतार लेंगे। खजूर को हमने बीज नहीं निकाला है, बीज समेत भिगो कर रखा है। आप चाहे तो खजूर को बीज निकाल कर भिगो कर रखिएगा। तो यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें बादाम डाल देंगे और काजू डाल देंगे। तो खजूर को हमने जैसा कि बताया कि इसे बीज को नहीं निकाला था, ऐसे ही डायरेक्ट भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो बीज निकाल कर उसके बाद भिगो कर रख लीजिएगा। और इस तरह से सारे बीज को हम निकाल कर अलग कर देंगे। और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में क्या करेंगे कि पीस लेंगे। इस तरह से सारे को हमने निकाल लिया है। और काजू बादाम डाला था जार में, अब खजूर को भी डाल देंगे। और एक केला लेंगे, आप चाहे तो केला हटा सकते हैं अगर पसंद नहीं हो तो, लेकिन केला डालने से इसके और ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी हो जाता है और आपको जो है हेल्थ को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से एक केला को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और उसे भी डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एक थोड़ा सा दूध डालेंगे, 1 से 2 चम्मच के लगभग, जितना में पिस जाए उतना ही डालना है। और ये यहाँ पर हम चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। खजूर और केला मीठा होता है तो ये बारीक पिस चुका है। अब इसे हम किसी गिलास में डाल देंगे। तो क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं रखना है, नहीं पतला रखना है, जैसे आपको पसंद हो वैसी मर्जी से आप रख सकते हैं। तो ये समर में हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे। तो अगर आप सर्दी के मौसम बना रहे हैं तो आइस डालने की ज़रूरत नहीं है। और आइस डालेंगे साथ में, ऊपर में कुछ कटा हुआ बादाम डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा जो है ये शेक बनकर तैयार है। इसे आप शेक भी कह सकते हैं, हेल्दी ड्रिंक भी कह सकते हैं।